हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 11 का क्वेश्चन करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है ये, एनसीईआरटी मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। 8 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन है 9 और वेरियंस 9.25। उसमें से 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें, ये वाली 6 ऑब्जर्वेशन, 6, 7, 10, 12, 12, 13 गिवन है। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो हमने दो अदर ऑब्जर्वेशन को एक्स और वाई ऐड कर लिया, तो हमारे पास अब जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये हो गई है। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई निकालना है, तो आसान मेथड आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मीन दे रखा है हमें 9 और ऑब्जर्वेशंस का सम, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 60 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आगे तुम्हें समझना है, मैं यहाँ पे वेरिएंस का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उससे आसान हो जाता है। वेरिएंस कितना है, 9.25। तो हम वेरिएंस का यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन आसान होगी। इसका मतलब क्या है, सारी नंबर्स के स्क्वायर का सम, यानी 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन में 8 माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू 9.25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन सब का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 642 ये यहाँ पे आ गया हमारा, 9.25 और 9 का स्क्वायर 81, 90.25। ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 8 से, 722। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे वाई की जगह 12 माइनस एक्स रख देता हूँ यहाँ पे, और 722 माइनस 642। बस अब तो हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो 2x² - 24x + 144 - 80, ये इक्वेशन बन जाएगी। 2 से डिवाइड कर लेंगे, अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x-4 और x-8 फैक्टर आएंगे, तो x की वैल्यू 4 और 8, व्हेन x4 y8, अगर x8 है तो y4। तो रिमेनिंग जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गई, 4 और 8, ये हमारा आंसर आ। तो ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।